इतना आसान नहीं है इस्लाम कबूल करना, घर छोड़ने के बाद बहुत मेहनत है, बहुत संघर्ष है, समझे। अस्सलाम वालेकुम, मैं इम्तियाज़ शेख मुंबई से। आप लोगों की तरह मैं पैदाइशी मुसलमान नहीं हूँ। तुम लोग कितने नसीब वाले हो, एक तो विरासत में ईमान लाए। सच में तुम लोग बहुत नसीब वाले हो। मैं तो चाहता हूँ कि हर मुसलमान मेरी बात सुने, बाकी देखो अल्लाह की मर्जी है। ये वीडियो अगर हर मुसलमान तक फैल गया ना, आप लोग यकीन मानना। चलो, अल्लाह का वादा है कि वो हर इंसान की जिम्मेदारी लेगा। खैर, तो मेरे कहने से तो बदलाव नहीं आएगा, जाहिर सी बात है। आज मैं ये वीडियो बनाने का मेरा क्या मकसद है आपको समझ में तो आ ही जाएगा, वीडियो सुनोगे समझोगे तो आपको पता चल जाएगा। आप लोग एक तो विरासत में ईमान लाए और इस्लाम की कदर करना भूल गए। ना आपके माँ बाप आपसे छूटे, ना आपके घर वाले आपसे छूटे। तो मुझे देखो, मैं अपने माँ बाप से दूर हो गया, अपने भाई बहन से दूर हो गया। इतना आसान नहीं है इस्लाम कबूल करना, घर छोड़ने के बाद बहुत मेहनत है, बहुत संघर्ष है, समझे। मेरे घर वाले मुझे कह रहे थे कि बेटा तू ज्यादा दिन नहीं रह पाएगा बाहर, तुझे दाल आटे का भाव पता चल जाएगा, तुझे घर वापस आना ही पड़ेगा। और आज देखते देखते 8 साल गुजर गए। बहुत कुछ झेला है मैंने, बहुत कुछ झेला है मैंने। आप लोग पैदाइशी मुसलमान हो, विरासत में ईमान लाए हो, कितने नसीब वाले हो आप लोग। मैं पिछले कई दिनों से अपने माँ बाप को याद कर रहा हूं। वैसे तो मैंने जब से घर छोड़ा है, मैं तब से ही अपने माँ बाप को याद कर रहा हूं। छोटी छोटी बात मुझे याद आती है मेरी अम्मी की, जब वो मुझे सुनाते थे ये मत खाया कर, वो मत खाया कर, वो मुझे डांटते थे ये मत पहना कर, वहां मत जाया कर, टाइम से घर आ जाया कर। और मैं अपनी मम्मी पर गुस्सा होता था, मैं मम्मी को बोलता था कि मुझे डांटा मत करो, मैं कोई बच्चा नहीं हूं। और आज बताओ, आज पिछले 8 साल में इस इम्तियाज को कोई डांटने वाला नहीं, कोई पूछता नहीं है क्या खाया क्या पिया, कैसा है इम्तियाज, तो कोई नहीं पूछता। फिर पापा की बात आ गई, पापा की याद आने लगी। पापा मुझे बहुत याद आते हैं, इसलिए क्योंकि हमेशा उन्होंने मेरा सपोर्ट करा है। अम्मी ने भी सपोर्ट करा है, लेकिन वो थोड़े